Hello students, so till now we have studied about the three types of operating system, and this is the fourth type of operating system, that is network operating system. So in this the system runs over a server and it provides the capability to manage the data, users, group, security, applications and other networking functions. उसमें क्या होता है कि जो जितना भी डेटा, यूज़र ग्रुप, सिक्योरिटी और एप्लीकेशंस होता है वो एक नेटवर्क पे होता है. एंड दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस. तो इस पे क्या होता है कि एक सर्वर होता है और देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स. एंड जैसे कि प्रिंटर में होता है कि एक प्रिंटर होता है जो सर्वर से कनेक्टेड होता है, और मल्टीपल नंबर ऑफ़ यूज़र्स क्या करते हैं कि थ्रू द लैन और नेटवर्किंग दे यूज़ दैट प्रिंटर फॉर देयर ओन पर्पसेस. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट ऑल द यूज़र्स आर वेल अवेयर ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑल अदर यूज़र्स विद इन द नेटवर्क. तो एक दूसरे से जैसे कनेक्टेड होते हैं सारे नेटवर्क, तो क्या होता है कि पहले यूज़र को दूसरे के बारे में डिटेल्स होता है, दूसरे को तीसरे के बारे में, मतलब हर एक यूज़र को हर एक यूज़र्स के बारे में सारा डिटेल्स पता होता है कौन जो उस नेटवर्क में है. सो ये एक टाइट कपल सिस्टम होता है, मतलब जैसे लास्ट वाले में वी हैव सीन दैट इट वाज अ लूजली कपल सिस्टम, बट इन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ अ टाइट कपल सिस्टम. सो वी कैन सी इन दिस फिगर दैट हेयर इज़ अ फाइल सर्वर और इट इज़ कनेक्टेड विथ मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स. इट इज़ कनेक्टेड विथ मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स. तो ये क्लाइंट्स क्या कर रहा है कि जो भी एक सर्वर से, मान लीजिए कि ये प्रिंटर कनेक्टेड है, दिस इज़ अ प्रिंटर एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ सर्वर. तो अगर क्लाइंट वन को किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो व्हाट वी ही हैज़ टू डू, ही विल सेंड द डेटा टू फाइल सर्वर एंड थ्रू सिंस द फाइल सर्वर इज़ कनेक्टेड टू द प्रिंटर, तो जो डेटा क्लाइंट वन के द्वारा दिया गया वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा. सिमिलरली विथ क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री एंड क्लाइंट फोर. And it is not only about the printers, it is also about the security and applications and other networking functions which are used. तो ये सारा चीज़ network operating system के through ही monitored होता है. So let us see about the advantages and disadvantages of network operating system. So advantages of network operating system क्या क्या होता है, it is highly scalable, stable and centralized server. अभी हम लोगों ने देखा था कि एक बीच में फाइल सर्वर थे और देयर वाज मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट सर्वर्स, सो इट इज़ वेरी स्टेबल एंड इट इज़ ऑफ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क. एंड यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड हैंडल थ्रू सर्वर ये होता है. सो द सिक्योरिटी इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट एज ऑल द थिंग्स आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल सर्वर. And the new technologies and hardware upgradation are easily integrated to the system. क्योंकि अगर पूरे के पूरे सिस्टम में हमें एक नया टेक्नोलॉजी डालना है, जैसे कि अगर विंडोज़ अपडेट करना और वी कैन से दैट वी हैव टू अपडेट एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर सच एज PDF और VLC मीडिया प्लेयर, तो हम क्या करते हैं कि जो सर्वर सिस्टम होता है हम बस सर्वर सिस्टम पर ही वी यूज़ टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर और अपग्रेड द टेक्नोलॉजी एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द ऑल नंबर ऑफ सिस्टम्स. तो एक जगह पे अपडेट करने से सारे के सारे सर्वर पे जितने भी सिस्टम्स हैं सभी पे अपडेट हो जाता है. सो द लास्ट एडवांटेज इज़ सर्वर एक्सेस आर पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप ऑफ सिस्टम. तो यस इट इज़ सिंस इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, सो एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग रिमोट एक्सेस कर सकते हैं इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में. So these were the advantages, and let us see the disadvantages of network operating system. First one is it is the servers are very much costly, because it has to manage multiple number of clients. The second is user has to depend on central location for most operations. So किसी भी तरह का जो higher authorized operations होता है वो central server से ही आता है. तो जितने भी user computers होते हैं उन्हें server पे depend करना पड़ता है. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली. यस मेंटेनेंस एंड अपडेट्स एंड सिक्योरिटी चेकअप्स, ये जितने भी चीज़ें होते हैं ये बार बार मतलब बीच बीच में जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो व्हाट हैपेंस दैट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स और द मेंटेनेंस और द अपडेट्स, नया नया अपडेट्स आता है तो वो रेगुलरली इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम हमें करना चाहिए.
So what are the examples of network operating system? So Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Unix, Linux, Mac OS, ये जितने भी हैं, these all are the examples of network operating system. So let us move to the next and the last operating types of operating system, that is real time operating system. So these types of operating system serves the real time systems, and the time interval required to process and respond to inputs is very small. So this time interval is called response time. So real time में क्या होता है कि एक certain amount of बहुत small time दिया जाता है. किसको दिया जाएगा? वो it is provided to the operating system so that the respondent जो भी computer होते हैं वो इसे यूज़ करता है. सो रियल टाइम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोट्स एक्सेट्रा. सो रियल टाइम मिसाइल सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो एयर ट्रैफिक में, रोबोट्स में, क्योंकि अगर इन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी कुछ डिले हो जाए या मिसमैच हो जाए, टाइम मिसमैच हो जाए, तो क्या होता है कि वहाँ पर डेंजर बहुत ज़्यादा होता है, हजार्डस इफेक्ट आ जाता है. सो रियल टाइम जो सिस्टम होता है वो इट इज़ वेरी टाइम स्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं इसे हम, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम का यूज़ होता है. सो एग्जांपल्स क्या क्या है इसमें से? मिसाइल सिस्टम हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर चॉपर्स उठते हैं उनका जो भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो होता है. रोबोट्स होता है, माइन्यूट अगर माइन्यूटली भी अगर किसी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पर भी चेंज होता है तो ये इट विल कॉज हजार्ड्स. सो इसका दो टाइप्स होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज़ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज़ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? उसमें हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो टाइम स्लॉट दिया हो रहता है या टाइम फ्रेम दिया हो रहता है वो एकदम स्ट्रिक्ट होता है कि इस टाइम फ्रेम से कम में या ज़्यादा में नहीं होना चाहिए. अगर डॉट फाइव पॉइंट फाइव सेकेंड्स है तो पॉइंट फाइव सेकेंड में ही आउटपुट आ जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी चेंजेस होगा थोड़ा सा भी लीनियंटली होगा थोड़ा तो क्या होगा, ये एरर कॉज करेगा या फिर दिक्कत हो जाएगा. एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम का हो सकता है. सो लेट अस सी दैट हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या है. दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मेंट फॉर एप्लीकेशन वेयर टाइम कंस्ट्रेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. द पॉइंट जीरो जीरो मिली सेकेंड, वन मिली सेकेंड का भी जो चेंज होता है, डिले होता है, वो भी नहीं इस पर एक्सेप्ट किया जा सकता है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है. सो दीज सिस्टम्स आर बिल्ट फॉर सेविंग लाइफ, लाइक ऑटोमेटिक पैराशूट्स और एयर बैग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रेडिली अवेलेबल इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट. तो अगर एयर बैग का एग्जाम्पल लेते हैं, कार का एक्सीडेंट होता है, अगर पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड का भी अगर डिले हो गया तो क्या होगा, the head of the passenger will bang with the dashboard. So इसलिए क्या होता है कि वो एकदम टाइम स्ट्रिंजेंट होता है. अब अगर पैराशूट से कोई ऊपर से छलांग मार तो क्या होगा, अगर एक मिनट तो बहुत दूर का बात है, एक सेकेंड दो सेकेंड भी लेट हुआ तो क्या होगा, ये फेलियर हो जाएगा, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा पैराशूट का. सो दीज आर टाइम स्ट्रिक्ट. तो इस पर क्या कहते हैं कि हम लोग टाइम का जो भी बाउंड होता है वो सारा यूज़ हो जाता है, स्ट्रिक्ट होता है. And in soft real-time operating system, these operating systems are for applications where the time constraint is less strict. तो उतना ज़्यादा strict नहीं है, इसके थोड़ा बहुत time का changes या delay हो सकता है, मतलब होगा ही नहीं, मतलब हो सकता है. So these were the two types of real-time operating system. We will see the advantages and disadvantages of real-time operating system in the upcoming lecture. So thank you.